बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहसान बर्ड्स चैनल। तो आज इस चैनल पे हम व्लॉग बनाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं पूरे दिन की रूटिंग, आपको दिखाते हैं अपने कबूतरों के साथ हम कैसे आते हैं और क्या क्या इनके साथ पूरे दिन की जो रिज़ल्ट है वो आपकी दिखाएँगे। इंशाल्लाह ताला आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो मेरा दुबाज पट्ठा था जिसको मैं बहुत जल्दी ट्रेन करने वाला था, तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। उसके बाद पूरे दिन की रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करेंगे, आगे देखो क्या क्या होता है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये वाला मेरा दुबाज पट्ठा था जिसको हम हाथ पे ट्रेन करने वाले हैं, तो ये भी आप देख लें, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन पट्ठा है। ये देखें तो इसको भी हम ट्रेन करेंगे। और इनकी खाने पीने की चीज़ें भी मौजूद है मेरे पास, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। और ये दुबाज के चने, ये चने पड़े हुए हैं, और ये देखें माशाल्लाह, ये देखो ये चने भी इसके पड़े हुए हैं और ये खुद भी बैठा हुआ है। अभी टाइम हुआ है 10 हुए हैं सुबह के, ये देखें माशाल्लाह। फिर आगे चलते हैं अपने कबूतरों की तरफ। ये रहे हैं हमारे कबूतर, ये देखो, और ये हमारे दूसरे कबूतर। तो सबसे पहले हम इनको निकालेंगे। तो ये पूरे कबूतर हमारे बैठे हुए हैं, ये देखो। और जहाँ ये शाबदार कबूतरी बैठी हुई है, इसके खांचे में ना बच्चा है एक छोटा सा, तो ये माशाल्लाह इधर ही बैठे होते हैं। बाकी जो दूसरे कबूतर हमारी दूसरी तरफ हैं, तो उस तरफ भी चलेंगे। और ये जो एक खाने का बर्तन है, ये देखें, और इसको निकालना है। हर तो ये वाला पट्ठा मेरा जो हाथ पे पहला पट्ठा लगा हुआ था, इसको निकालेंगे बाहर। ये देखो ये बैठ गया। और ये वाला जो जोड़ा है इसको भी निकालेंगे बाहर, ताकि सुबह का टाइम है। ये देखें माशाल्लाह, तो ये वाला जोड़ा भी बाहर आ गया। और ये जो जोड़ा बैठा हुआ है इसको भी निकालेंगे बाहर। ये देखें, इसको बाहर निकालने। और ये वाला जोड़ा भी हमें बाहर निकालना है, ये देखें, ये देखें, ये दुबाज और उसका छोटा सा बच्चा, और ऊपर फीमेल बैठी हुई है। इस जोड़े को बाहर निकालना है। तो ये एक ही बस अंदर बैठा हुआ है, ये देखें माशाल्लाह। तो ये सारे कबूतर बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हो अच्छी तरह। ये देखें, ये देखो, ये सारे कबूतर मेरे पीछे आ गए हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ उसी जगह के
करीब आके बैठ गए हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो बच्चा हाथ पे लगाने वाला था उसको दाना खिला रहा हूँ। तो उसके लिए सारे कबूतर मेरे पास आ गए हैं और जिस तरफ मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ आकर बैठ गए हैं। तो मैं वो आपको बच्चा भी दिखा रहा हूँ जिस बच्चे को मैं दाना खिलाने वाला हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें, ये देखें हमारा छोटा दोबाज और वो जो है हमारा बड़ा पठा है कलसरा, जो वो भी हाथ पे लगा हुआ था लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया है, अपने ये उठाया है मैंने दोबाज। और ये जो है ये बस खाने के लिए आ जाता है जब भी इस जगह पे बैठता हूँ और उसको पता लग जाता है, तो यहाँ खाना इस बच्चे को खिला रहा है तो मैं भी जाके बैठूँ और खाना खाऊँ और चने खाऊँ। तो अब ना इस बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सबसे पहले इस जोड़े को बंद करेंगे वाइट वाले को। ये जो बड़ी खुडी में बंद था मैंने वहाँ से इसको निकाल के छोटे पिंजरे में डाल दिया है ताकि अच्छी ब्रीड करे, वहाँ इसकी अच्छी ब्रीड नहीं आ रही थी। ठीक है भाई, तो ये इसका गेट है और इस तरीके से मैं इनकी गेट बंद करता हूँ। ठीक है, ये गेट बंद हो गई। अब चलते हैं दूसरे जोड़े की तरफ, उसको बंद करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये मादी दिखा दूँ। ये मादी अंडों पे बैठी हुई है और इसका नर जो है अभी बाहर खड़ा हुआ है, उसको भी अंदर करेंगे। तो ये वाला जोड़ा भी देखो, ऊपर मादी बैठी हुई है और नीचे ये नर बैठा हुआ है और ये छोटा सा बच्चा भी अंदर बैठा हुआ है। तो इस जोड़े को भी हम बंद करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो ये जोड़ा बंद हो गया और ये वाला बच्चा अभी तक दाना खा रहा है, इसको दाना खाने देंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे ताकि जो हमारा जो दूसरा मेल है वो आ रहा है अपनी। ये देखो अब ना इसको अंदर बंद करेंगे। तो ये भी देखें अंदर जा चुका है, तो अभी गेट बंद करेंगे इसकी। तो इसकी भी हमने गेट बंद कर दी है, इस वाली खुडी की गेट बंद करनी है। सारे कबूतर अंदर जा चुके हैं, इसका जो गेट था वो भी मैंने बंद कर दिया। ये देखें ये गेट बंद हो गया और इस तरीके से इसके अंदर कील डालना पड़ता है। ठीक है भाई, ये भी सारे कबूतर अभी बंद हो चुके हैं। अब ये वाला एक ही बच्चा है जो बाहर खड़ा हुआ है, इसको भी बंद करेंगे पकड़ के, वैसे ये अंदर नहीं जाने वाला। ठीक है भाई, तो ये फिर सो ये अकेला ही यहीं पर बैठता है, तो मैंने इसकी भी गेट बंद करनी है। देखो ये कैसे मस्ती मार रहा है। वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये देखें, ये देखें।